नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतैल का। मैं हूं एमएस निर्मल। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन चुनाव परिणामों के बाद हरियाणा में 5 जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कांग्रेस के बने हैं और 5 भारतीय जनता पार्टी के। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 की हार हुई है, यानी 50-50 हो गए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में लोकसभा के 10 के 10 सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ बाजी मारी है और इस समय 5 कांग्रेस के हैं और 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी को 5 का लॉस हुआ और इस लोकसभा चुनाव में 11% की जो वोटों की बढ़ोतरी है वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। ये वोटों की बढ़ोतरी जो हुई है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको नकारा है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उनके मुख्यमंत्री काल में जो बदलाव हुआ है, यानी उनको बदल करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ओबीसी समाज का व्यक्ति एक नेता मुख्यमंत्री बनाया, उसका कितना असर हुआ है, मनोहर लाल खट्टर की वजह से सरकार को कितना नुकसान हुआ है, आने वाला विधानसभा चुनाव क्या लोकसभा चुनाव परिणामों के कारण वो प्रभावित होगा, लोगों से पूछेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात कराएंगे। आपकी आप देखते रहिए जनतैल का और लोगों के विचार भी सुनिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद आने वाले हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है। हरियाणा की जनता का धन्यवाद है, हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है कि उन्होंने कांग्रेस वर्सेज बीजेपी इस चुनाव को कर दिया है, यानी कि क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से निकाल दिया। कहीं से भी कोई भी क्षेत्रीय दल इसमें कामयाब अपना जोर फैलाने में नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी थी, वो कह रहे थे क्योंकि हरियाणा की हितों की रक्षा करने के बजाय वो कुठाराघात कर रहे हैं, तब भी वो कहीं नहीं कामयाब हुए। या अन्य क्षेत्रीय दल जो काफ़ी समय तक जिन्होंने हरियाणा के ऊपर राज किया है, वो सभी के सभी हरियाणा की जनता ने सही उनको आईना दिखाई दिया। लेकिन जहाँ तक आने वाले समय की बात है, जो 90 दिन के बाद एक प्रक्रिया चलने वाली है, हरियाणा की जनता ने ये भी समझ लिया है यदि कोई इस प्रदेश की रक्षा कर सकती है, यदि कोई इस देश के अंदर अच्छे से आगे बढ़ सकती है और प्रदेश को विकास की गति पर ले जा सकती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ये 5 सीटें जो हुई ना, ये कहीं ना कहीं ये रहा जनता के मन में कि एक क्षेत्रीय दल भी कोई भूमिका निभाएंगे। वो क्षेत्रीय दलों का पटाखे जो हुआ है उससे अब जनता ने निर्णय ले लिया है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रदेश के अंदर भी बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सरकार तो आपकी अब भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इन चुनाव में और पिछले जो 2019 के चुनाव हैं उनका यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो 11% भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए हैं इन चुनाव में, और यदि ये इसी तरह जो सिलसिला है वो रहा तो विधानसभा चुनाव में मुद्दे भी अलग होते हैं, तो फिर यह नुकसान तो हो ही सकता है। जो भी वोट प्रतिशत कम हुआ है उसके बारे में संगठन ने गंभीरता से लिया है, जो भी कहीं चूक रही है उसमें को भी गंभीरता से लिया है और उसका मंथन चल रहा है, उसको जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा की जनता को भी देखने को मिलेगा, कार्यकर्ताओं के जो सुझाव हैं उनको भी गंभीरता से लिया है और जल्दी ही दुरुस्त करके आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। जो लोकसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के परिणामों का हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? देखिए निर्मल जी, विधानसभा चुनाव लोकसभा से भी बिल्कुल हटकर होते हैं, क्योंकि उसमें जो फैक्टर रहता है वो पीएम के हिसाब से रहता है, ऊपरली सरकार के हिसाब से रहता है। तो अब जो हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं उसमें मोदी जी का जो नारा है, मोदी जी का जो जोश है, वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता ने वैसे भी नकार दिया है, 5-5 पे ही आ चुके हैं। और देखना अब ये जो लोकसभा में हैं तो कहते हैं अब जो हरियाणा के चुनाव होंगे उनमें बिल्कुल ही इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो चुका होगा और ये ना तो हरियाणा में कहीं देखने को आपको मिलेंगे। इनकी सीट शायद कोई 4 या 5 सीट इनकी आ जाए, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अब देखिए आने वाला जो समय है वो बदलाव का समय है और जनता बदलाव चाह रही है, जनता इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। देखिए ये करनाल में भी रह के इन्होंने करनाल का भी बिल्कुल सुधार नहीं किया और ये तो एक मोदी का जो फैक्टर था उसकी वजह से इनको वोट मिल गई है। मनोहर लाल खट्टर तो फिर भी जीत गए करनाल से। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी ये अपनी छवि से नहीं जीते निर्मल जी, ये एक मोदी जी की थोड़ी जो लहर थी हल्की फुल्की कह दीजिए, और लोगों ने जो मोदी जी को ऊपर देखना चाह रहे थे उसकी वजह से ये जीत चुके हैं, नहीं तो इनके ये अपने आप आज खड़े हो जाइए, इनकी 5 वोट भी नहीं पड़ती।
तो इनको तो आपको क्या लग रहा है इसको, मतलब आप क्या मान रहे हैं कि इनको नकार दिया? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल इनको नकार दिया गया है। और क्या लगता है, इनको अब जनता नहीं चाह रही है, तो अब आने वाले जो समय है वो बिल्कुल बदलाव का है। इनेलो भी अपनी देख लेना बढ़ चढ़ कर कितनी भूमिका बनाने जा रही है इस अगले आने वाले हरियाणा चुनाव के अंदर, और इसमें आपको सारा उल्ट फेर होता दिखाई देगा। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर जी को यूँ कह रहे बड़े अच्छे काम किए हैं, बिना खर्चे बिना पर्चे के काम किए हैं, लोगों की भलाई के बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, ईमानदार थे और फिर ईमानदार थे, इनको बीच में लोकसभा चुनाव से पहले कैसे हटा दिया, क्या लग रहा है? सर अगर ईमानदार होते तो ये ना तो हटते और ना इनका मार्जिन 6.5 लाख वोट से जाके 2 लाख पे अटकता। अगर इतने ही ईमानदार थे तो 6.5 से जाके 8 पर पहुंचते, तो इनका मार्जिन इतना गिरने की कोई बात नहीं थी। तो अब देख लेना आप आने वाले चुनाव में ये कहीं आसपास भी दिखने को नहीं होंगे। तो इन जो विधानसभा चुनाव है उन पर गहरा असर लोकसभा चुनाव परिणाम का आपको लग रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको बताया था लोकसभा चुनाव के बारे में, इनकी सीटें भाई 250 के आसपास बड़ी मुश्किल से आंगी, तो उसी हिसाब से अब आप देखना, देखो इनकी सीटें वहीं पे अटक गई जैसी हमने बात की थी, अब आपका इनका देखना है, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ ही हो जाएगा हरियाणा से, ये बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये आपको किस आधार पर लग रहा है? देखो जानना चाह रहे हैं, देखिए आधार तो जनता, देखिए आप देखो ना जनता ने कैसे उल्टफेर किया है, जनता ही इस समय जनार्दन है, जनता के जो कार्य नहीं किए इन्होंने, जनता के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, इतनी महंगाई कर दी है, तो क्या लगता है पब्लिक का तो कोई कार्य हो ही नहीं पाया, बस सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्रों में रह गए, और ऑनलाइन कोई भी कार्य पूरा हो नहीं पाता। कहते हैं ऑनलाइन अगर कोई कार्य कहते हैं आप चंडी, हम पूछते हैं ये कार्य कैसे गलत हो रहा है इसको ठीक कीजिए, वो कहते हैं अधिकारी कहते हैं चंडीगढ़ से जाके करा, चंडीगढ़ हम किसको पूछें? क्या कह रहे, भ्रष्टाचार बंद हो गया, ईमानदारी से काम हो रहा है, बिना खर्चे बिना पर्चे के नौकरियां मिल रही है। सर भ्रष्टाचार बंद हो जाता तो क्या लगता है जो इतनी सरकारी नौकरियां थी तो निकलनी चाहिए थी, हर बार जब नौकरियां निकलती हैं कहीं ना कहीं इनका बंदा कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी कह देते हैं कभी स्टेल गुआ देते हैं अपना भी कह के नौकरियों पे, तो भ्रष्टाचार तो इनका चरण सिंह करनाल में देखिए कितने अधिकारी पकड़े गए, तो भ्रष्टाचार कहाँ से कैसे कह सकते हैं ये बंद हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं विधानसभा चुनाव में परिणित होकर के सामने आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लेना जैसा मैंने रिजल्ट आपको बताया था कि रिजल्ट आएगा सरकार का, और वो रिजल्ट आया है, अब इनका इनका भी उल्ट फेर बिल्कुल रिजल्ट आने को तैयार है, जनता नकार चुकी है इनको। ये जो लोकसभा चुनाव के परिणाम हुए हैं, आगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी 2-3 महीने के बाद हैं, इन पर क्या असर होगा इनका? इसका जो भी ये जैसे हम पहले इसमें 2019 में इनकी एक सीट नहीं आई थी कांग्रेस की, अब की बार 5 आई और वोट बैंक 20-22% इनका बढ़ गया है कांग्रेस का, आगे ये विधानसभा आएगा तो निराली कांग्रेस आएगी जी हरियाणा के अंदर। अच्छा। इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा इनका। ऐसा क्यों हो रहा है? पब्लिक बदलाव चाहती है। अच्छा। हर एक वर्ग दुखी है, एम्प्लाइज देख लो। हाँ। ये एम्प्लाइज तो क्या बोल रहा था खट्टर, एम्प्लाइज तो क्या बोल रहा था खट्टर, आगे इनको मैं बताऊंगा क्या बताएगा भाई, मैं देख लूंगा ना कहा। इतनी धम क्या देते हैं? 4 तारीख तक का है इनकी, 5वीं मेरे। हाँ तो ये धमके भी देते हैं ना, ये धमके क्यों दे रहे हैं भाई मुलाजिमों को? ये कह रहे कुछ मुलाजिम गलत कर रहे थे कांग्रेस से मिल रहे थे, कांग्रेस से नहीं मिले थे, वो बदलाव जा रहे थे, वो सही डिसीजन ले रहे थे। अच्छा। और आगे भी देख लेना जी क्या हुआ। अच्छा। हाँ कुछ और होने वाला, बिल्कुल बदलाव होगा जी। अच्छा यू क्यों चाह रहे बदलाव? लोग बदलाव तो चाह रहे हैं जी, मनमर्जी करते हैं जी। अच्छा। अब ये देखो बच्चे खट्टर ने ईमानदारी से काम किया, ईमानदार आदमी है, संत आदमी है, उसका अग्गा पीछा कुछ नहीं है, और बिना खर्ची बिना पर्ची से नौकरियां दी, गरीब लोगों का भला कराया, बहुत सारी बातें। फिर ये हाईकोर्ट ने क्यों टह दिए जी? हाईकोर्ट ने ये जो गुरबडी में लगे थे ये कई हजार हैं, तो उनके डिसीजन दे दिया दोबारा इनके टेस्ट होंगे, जो दोबारा टेस्ट में होगा वो होगा। ये क्यों कर रहे हो? क्यों किसी के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? जो लगा तो कम से कम पक्के तो लगाओ, ये तो नहीं है भाई कहीं जा रही भर्ती रद्द कर दी, पर दोबारा टेस्ट करेंगे, दोबारा में नया टेस्ट में पास होगा तो अपने घर बैठेगा। तो ये बहुत सारे गरीब लोगों के आए थे भाई, उन गरीब लोगों के बच्चे लग गए, पहले पर्चियों से लगते थे, लग तो गए। हाईकोर्ट ने फिर ये डिसीजन क्यों लिया इस पर देखो ना आप। अच्छा। तो क्यों लिया डिसीजन हाईकोर्ट ने बैठाने का भाई दोबारा? सरकार आपको लगेगी आगे आने वाली? यहाँ तो खुली कांग्रेस आएगी जी। अच्छा। हाँ जी।
बिल्कुल खुली जी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब कांग्रेस का तो पहले ही आपस में जो तबादर है, आपस में तो सभी पार्टियों का जोता है। अभी अनिल विज के बयान पड़े हैं अपना दो दिन पहले। अच्छा, दो दिन क्या कहा था उसने? अनिल विज के बयान पढ़ो जी, मैं बताऊँ अपना जी। तो वो क्या बोलिया? भाजपा से किनारा, मैं भाजपा से किनारा करता हूँ क्या? इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में नहीं पहुँचा वो। तो ये तो सारी पार्टियों में ही है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, सभी पार्टियों में है। तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये अनिल विज के यहाँ पे कांग्रेस हार गए, वो तो आने नहीं थे, उसने जोर ही लगाया। वहाँ कांग्रेस तो जीत गई, बीजेपी हार गई। वहाँ तो कांग्रेस जीती है जी, इसने जोर ही लगाया वहाँ, क्योंकि इंदिरा चल रहा था। ये तो सभी पार्टी में होता है जी, ये तो जी भाजपा में होता है, कांग्रेस में होता है जी, ऐसे मन मुटाव तो चलते रहते हैं। अच्छा, मन मुटाव चलते हैं, इनका कोई असर नहीं होने का, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी इनका। लोग बदलाव चाह रहे हैं जी, यहाँ तो हरियाणा में तो बदलाव होगा जी, पक्का असर दिया। अच्छा, नेतृत्व को लेकर के भी है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा या और जो भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, और भूपेंद्र हुड्डा आई फाई बना दिया है हरियाणा के अंदर। अच्छा, कोई और आगे नहीं, और कोई आएगा नहीं। अच्छा, हाँ हुड्डा साहब आएंगे यहाँ, फिर बदलाव नहीं होने का? नहीं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा यहाँ। अच्छा, हाँ जी, दूसरा कोई आ गया तो दूसरा इतना प्रभाव नहीं डालेगा? नहीं, दूसरा प्रभाव नहीं डालेगा इतना, दूसरे कोई चलेगी जी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेगा और हुड्डा साहब सीएम बने यहाँ। महेंद्र जी, ये जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, इन चुनाव परिणामों का विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या मानते हैं? देखिए आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का और विशेष तौर पर आपका मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपने पूरे हरियाणा में, जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और 4 तारीख को रिजल्ट आया, तो उसमें आपने बड़ी मेहनत करी और आम जन के आपने विचार लिए। और मेरा तो ये कहना है, देखिए जैसे कि लोकसभा में विपक्ष बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीता है और उनको 10 में से 5 सीटें बहुत अच्छे बहुमत से उनको मिली हैं, और इसीलिए आने वाला विधानसभा में उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होगी, क्योंकि जनता से परेशान थी, हर वर्ग इनसे परेशान था, चाहे किसान है, दुकानदार है, चाहे मध्यवर्गीय है, तो सभी मजदूर तबका, गरीब लोग, सभी लोग इनसे परेशान थे। इसलिए जनता ने इनके जो खिलाफ वोट दे के आज इनको जो पटकनी दी है, तो ये हरियाणा में चाहे वो पूरे देश का जो चुनाव रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो वोट प्रतिशत है वो भी कम हुई है और इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, इसके बाद नायब सैनी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसका भी कोई असर होगा विधानसभा चुनाव? देखिए, तो आने वाला विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो लगातार 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रति जनता का एक आक्रोश था, उनके प्रति जो उनका काम करने का जो ढंग था वो सही नहीं था, क्योंकि वो चाहे वो किसान के प्रति भी इस तरह की बात रख देते थे, तो इसलिए उनको आज उसका ही परिणाम है कि मनोहर लाल ने जो 10 साल में इतना कोई विशेष काम नहीं किया, उसी का परिणाम है जो जनता ने उनको विरुद्ध वोट दिया। नहीं, वो तो जीत गया खुद। हाँ जी, जीतने का ये होता है, क्योंकि जो हमारे विपक्ष का जो कैंडिडेट था उसको टिकट बाद में मिली, उतना कैंपेन नहीं कर सका, और ये जो पहचान वाला चेहरा था 10 साल ये सीएम रहा, लोगों ने इसलिए इसको वोट दिया। या मोदी का भी कोई असर था? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी वोट मिला वो मोदी की वजह से मिला, ना कि मनोहर लाल के पास अपना कोई वोट नहीं था, ना इनका इतना कोई विशेष तौर पे जनता के ऊपर कोई प्रभाव था, और ना जनता ने मनोहर लाल जी को पसंद किया। पसंद किया तो मात्र श्री आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो विधानसभा चुनाव में भी कहते मोदी के नाम पे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ऊपर भी नीचे। देखिए निर्मल जी, ये तो आपने पूरे देश में देखा, चाहे वो अयोध्या का मामला, अब जो पीएम 6.5 लाख से जीतते थे, मात्र वो 1.5 लाख से जीतते हैं, और चाहे वो स्मृति ईरानी का वो लगा लीजिए, और जहाँ जहाँ भी, और उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए 6 जमा 37 43 जो सीटें विपक्ष को मिली है, तो इनकी करारी हार है। ये राम मंदिर का भी नहीं चला इनका मुद्दा, और ना ये चलेगा आने वाला विधानसभा, और भी इनकी दुर्गति होने जा रही है विधानसभा चुनाव में। हाँ जी। अच्छा, तो ये तो कह रहे फिर तीसरी बार फिर हरियाणा में भाजपा की सरकार होगी? देखिए, तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जनता अब भी बदलाव चाहती थी, और जनता ने बदलाव के पक्ष में वोटिंग की है, और आने वाले समय में भी वो विधानसभा में बदलाव के लिए ही वोट करेगी,
ठीक है, अभी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, अगर इनकी 4 महीने इनके पास समय अगर कार्यशैली सही रही, जनता से प्रभावित हुई तो कुछ हो सकता है, वरना जो रिजल्ट अभी आया उससे भी और भी इससे हानिकारक रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। देखिए।